एक मॉइस्चराइज़र का वर्क होता है कि वो हमारी स्किन से ड्राइनेस को दूर करे और हमारे स्किन के हाइड्रेशन को लॉक करके रखे। बट कुछ टाइम बाद हमारी स्किन में एक डलनेस ही आ जाती है मॉइस्चराइज़र को यूज़ करते करते, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से हमारी स्किन में डलनेस आ जाती है। तो आज हम ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ तो करे बट उसमें डलनेस बिल्कुल भी ना आने दे। तो मैं हूँ पिंकी और आप सभी का स्वागत है पिंकी प्रिया स्टाइल में। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ वो जोवीस ही है, और जोवीस का फेयरनेस लोशन है। इस मॉइस्चराइज़र में कुछ खासियत है कि ये हमको कई तरह से फ़ायदा करता है। फर्स्ट तो ये फ़ायदा करता है कि इसमें SPF भी है, जिसके लिए हमको अलग से सनस्क्रीन का यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये हमारे स्किन को फेयर भी करता है, जो कि दूसरी फेयरनेस क्रीम्स करती हैं वही चीज़ ये मॉइस्चराइज़र भी करता है। और जो मॉइस्चराइज़र का वर्क होता है वो तो ये करता ही करता है। ये 3-in-1 प्रोडक्ट है और ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए फिर आज हम इसी का रिव्यू करते हैं। ये देखिए, ये जोवीस की बोतल है, ये करीब पूरी समाप्त होने वाली है तब मैं इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ। और ये बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र निकला, मतलब ये फेयरनेस के लिए भी अच्छा निकला और सनस्क्रीन के मामले में भी ये बहुत बढ़िया निकला। जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। और आपको बता दूं कि ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है। तो इसमें सैंडलवुड पड़ा हुआ है और कैरेट एक्सट्रैक्ट है, ल्यूकेरियस है। तो ये सब चीज़ें हमारी स्किन को फेयर करती हैं। और दूसरी चीज़ इसमें है एलोवेरा और हनी, तो ये हमारी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखती हैं। तो देखिए, ये जोवीस फेयरनेस लोशन वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन ल्यूकेरियस विथ SPF 25। तो आप इसमें वाटर रेजिस्टेंस का मतलब समझ ली। तो ये मॉइस्चराइज़र जो है, जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये एक आपकी लेयर स्किन में बना देगी, जो कि सारा दिन आपके फेस पर बनी रहेगी। मतलब कम से कम 10 आवर तक ये आपके फेस पर एज इट इज़ रहेगी। अगर आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते भी हैं तो इसकी लेयर हटेगी नहीं, इसीलिए ये वाटर रेजिस्टेंट है। स्वेट भी आता है तो भी आपकी वो लेयर हटेगी नहीं, वो आपकी लेयर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती रहेगी। और इसका जो सनस्क्रीन है SPF 25, तो बहुत अच्छा इन्होंने सनस्क्रीन इसमें दिया है, जिससे कि हमें डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम आउटसाइड जाएं तभी हमें सनस्क्रीन लगानी पड़े, घर में विदाउट सनस्क्रीन हमारा काम चल जाए। तो इसमें सनस्क्रीन होना भी बहुत अच्छी बात है, और फेयरनेस के लिए तो ये बहुत अच्छा है, ये वर्क करता है। अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क है तो ये धीरे धीरे फेयर हो जाएगी। इवन आप इसको फुल बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको फेस में ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फुल बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हैंड में डार्कनेस हो या आपके फीट में हो, कहीं भी हो, तो आप इसको डेली यूज़ कर। तो अब इसकी क्वांटिटी और प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसकी ये बिग बोतल परचेज़ की थी। मैंने ये प्रोडक्ट आपको नायका, अमेजोन, मिंत्रा सभी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और ऑफलाइन भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा, तो आपको इसको लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने जो क्वांटिटी इसकी मंगाई थी, तो ये 200 ml की क्वांटिटी है। इसको मैंने 395 रुपये की परचेज़ करी है, इसमें कोई डिस्काउंट मुझे नहीं मिला था। अगर आप डेली बेसिस में मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है डेली के लिए, तो ये बहुत ही मस्ट प्रोडक्ट है। आपको फिर SPF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई फेयरनेस क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इस मॉइस्चराइज़र से आपके तीनों काम हो जाएंगे।
तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, ये सभी स्किन के लिए सूटेबल है, कोई भी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। बस ऑयली स्किन वाले थोड़ी कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करें, बाकी ये बहुत अच्छे से सूट करेगी आप सभी को और ऑल डे आपकी स्किन में एक ग्लो भी बना रहेगा इससे, जिससे कि आपको कोई दूसरी ग्लो क्रीम वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक्स।